हेलो और वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 135 हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में कवर करेंगे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड थी दैट हम हिंदी में क्यों नहीं कोई डेली बाइट्स करते। ये मेरा एक प्रयास है। मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट देखते हैं कैसा जाता है। तो सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में गिरावट जारी है, जैसे कि पिछले कई दिनों से ट्रेंड रहा है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स 1.6% गिरा, फार्मा 1.2%, प्राइवेट बैंकिंग भी गिरा, कमोडिटी स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स सभी अंडर प्रेशर थे आज। ऑटो स्टॉक्स कल की तरह अपसाइड में थे और आईटी स्टॉक्स भी सॉर्ट ऑफ इनडिफरेंट थे। तो बाजार का रुझान जो है वो कुछ वीकनिंग की तरफ ही चल रहा है अभी तक। बार बार अटेम्प्ट होता है मार्केट का कि मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एंड उसका मेन कारण बैंक निफ्टी नीचे की तरफ लीड कर रहा है मार्केट को। तो भाई बैंक निफ्टी का मेरा एटलीस्ट अपना ये मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में नहीं आता, निफ्टी का अप ट्रेंड में आना बहुत मुश्किल है। बैंक निफ्टी का काफ़ी मेजर वेटेज भी है, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी वेटेज हैं जो बैंक्स हैं। तो और बैंक्स लीडिंग इंडिकेटर भी होते हैं। अगर बैंक्स नीचे जा रहे हैं किसी भी मार्केट में, तो मेरे हिसाब से वो लीडिंग इंडिकेटर है कि मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि बैंक से क्रेडिट आता है, क्रेडिट इशू होता है, और दैट बेसिकली इज फोरकास्टिंग कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी की हेल्थ कैसे होने वाली है। अगर क्रेडिट ऑफ टेक ही नहीं हो रहा है, बैंक सर आपके अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी वैसे ही बुरी हालत में है। तो इंडेक्स में अगर आप देखें तो निफ्टी, CNX 200, ये सभी अबाउट 0.5% नीचे थे। और वीकेंड इन्वेस्टिंग स्मॉल केसेस का भी यही हाल रहा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ खास बात थी नहीं आज ऐसी। स्मॉल कैप्स बल्कि कम गिरे आज। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.08% ही डाउन था और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 0.11% ही डाउन था, बट लार्ज कैप्स में ज़्यादा फॉल थी। और रिलायंस जैसे बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स भी आज गिर रहे थे। आईटीसी में एक अच्छा उछाल देखा गया आज। लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग आईटीसी। आईटीसी में कुछ रूमर चल रहा है, सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा है कि कुछ आईटीसी इन्फोटेक को डीमर्ज करने की अफवाह चल रही है। अब देखते हैं, वो अगर पूरी होती है तो मेरे हिसाब से स्टॉक और ऊपर जा सकता है फिर। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो ये सोच हमने नाम रखा है इसका, इस सीरीज़ का। तो हर हफ्ते हम ट्राई ये करेंगे कि एक डेली बाइट हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड में करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसको समझ पाए। और इस सोच का पर्पस ये रखा है कि एक दो टॉपिक हम चुने जो मे बी हमारे पिछले हफ्ते भर में जो हमने ट्वीट्स में डिस्कस किया हो या कोई ओपिनियन दिया हो, उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में सोचें और आपको सोचने पे मजबूर करें कि एक्चुअली में मार्केट कैसे चलती है या ये क्यों हो रहा है, यू नो दैट दैट वे। तो एक ट्वीट मैंने किया था कुछ दिन पहले कि इंडिगो हैज़ ट्रिपल्ड फ्रॉम द बॉटम इन 2020, हु कुड हैव इमेजिन बेस्ड ऑन एनी फंडामेंटल रीज़न। तो उसमें मैंने ट्वीट में ये कहा था कि इंडिगो जहाँ उसने मार्च 2020 में बॉटम बनाया था, वहाँ से 3 गुना हो गया है, और कौन इमेजिन कर सकता था कि ऐसा होगा। और साथ ही में मैनेजमेंट की भी कमेंट्री यही आई है कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑफ कोर्स इंडिया, बुलिश स्टोरी ऑन इंडिया तो सभी बुलिश स्टोरी ऑन इंडिया हैं, झुंझुनवाला साहब भी एयरलाइन डाल रहे हैं, बट बैलेंस शीट की हालत नाजुक है और दे आर नर्सिंग देयर वुंड्स जैसे, एंड गोइंग कॉशियस गोइंग फॉरवर्ड। बट मार्केट क्या कॉशियस
कॉशियस टेंस दिखा रही है आपको चार्ट में। मार्केट तो ऐसा बुलिश टेंस दिखा रही है जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो अगर आप ओवरऑल भी देखें मार्च 2020 अगर आप याद करें, जिस तरीके की गिरावट ट्रैवल शेयर्स में आई थी, ट्रैवल इंडस्ट्री के शेयर्स में, वेदर इट वाज होटल्स, वेदर इट वाज एयरलाइंस, और ग्लोबली आई थी, वेदर नॉर्वेजियन क्रूज के शेयर्स बिक गए थे और आपके अमेरिकन एयरलाइंस के दुनिया भर के शेयर गिर गए थे। वॉरेन बफेट साहब ने तो अपने होल्डिंग ही बेच दी जितनी भी एयरलाइंस की थी काफ़ी हद तक। तो उनके जैसा विजनरी आदमी अगर ये नहीं देख पा रहा था कि भाई ये 1-1.5 साल में यहाँ से ऐसी रिकवरी आ जाएगी तो कौन देख सकता है फिर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आगे फोरकास्ट क्या होगा ये एक्चुअली में नहीं कर सकता है। हम दुनिया भर की स्टोरीज में उलझे रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो ये फोरकास्ट कर दिया, बट एक्चुअली में किसी को कुछ नहीं पता होता है। वो ठीक है कि एक जब ट्रेंड चल रहा होता है तो उसी को हम एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं कि ये इतनी ग्रोथ इसमें आई है, इतनी ग्रोथ इसमें आई है, इतनी आगे और आएगी, बट इतने वेरिएबल्स होते हैं हर स्टॉक सेक्टर मार्केट्स के। और जो मैंने कल डेली बाइट करी थी कि भाई हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते वीकेंड इन्वेस्टिंग में, उसका सीधा सीधा कारण यही है कि ये मेरी एक बिलीफ है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल काम है और सबके बस की बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ मेरे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन अगर बिना फंडामेंटल्स को ज़्यादा वेट दिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आपको बेटर नींद आ सकती है रात को, तो वाई नॉट। तो दैट इज़ वॉट मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। मैं इसके बारे में और भी आगे कहूँगा। तो बेसिकली इस ट्वीट का इस सोचने का ये सोचने की बात ये है कि क्या हम मार्च 2020 में सोच पाए थे कि एक ये स्टॉक पर्टिकुलरली ये स्टॉक जो जिस सेक्टर की धजियां उड़ गई थी वो 3 गुना होगा 1.5 साल बाद। मेरे ख्याल से अगर आप उस समय 100 लोगों की वोट लेते तो शायद 1 या 2 बोल पाते कि भाई हाँ इस तरीके से इसकी राइज आ सकती है, नहीं तो एवरीबडी वुड हैव पॉइंटेड लोअर ओनली और मे बी फ्लैट वट एवर मे बी। तो आगे के लिए फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत सारे सरप्राइजेस मार्केट में होते रहते हैं, इतनी सारे फैक्टर्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं कि कौन सा फैक्टर स्टॉक प्राइस को कहाँ ले जाएगा साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये बहुत मुश्किल होता है कहना। बाद में सब ये कहते हैं हाँ भाई हमने तो यहाँ बाई किया था और हम तो ये कह रहे थे कि ऊपर बढ़ जाएगा, बट आपको पता है कि यू नो ये दैट इज जस्ट ए वे द मार्केट वर्क्स। तो ये एक आप इस पॉइंट को जरूर सोचिए कि क्या आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं मार्केट को और क्या उसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या आपकी प्रिडिक्शन सही आती है और क्या उसकी बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी वो खरी उतरती है। तो ये एक सोचने की बात है जो मैं आपके लिए एक सोच छोड़ रहा हूँ। अगेन ये वही चार्ट है इंटरग्लोब का, यहाँ पे आप देखें कि ये 1800 रुपये से लुढ़कता हुआ ये 800 रुपये पे आ गया था और वहाँ से फिर ये 3 गुना हो गया गिरने के बाद, जबकि ट्रैवल इंडस्ट्री पे बैन लगा हुआ था फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एक और मैंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, दिस वॉज अबाउट लॉरस लैब्स। तो ये एक स्टॉक है जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है पिछले साल 1.5 साल में और हमारी कई स्ट्रेटजीज में इसको पिक किया, ये जहाँ पे एरो लगी हुई है शायद ये 80-90 रुपये का था यहाँ पर इस समय। तो यहाँ पर कई स्ट्रेटजीज ने इसे पिक किया था और हमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं पता था कि भाई हम क्यों पिक कर रहे हैं इसे, हमने हमें नहीं पता होता कि भाई क्यों हम पिक कर रहे हैं। हमें ये पता है कि प्राइस की फॉर्मेशन सही है, प्राइस का वॉल्यूम स्ट्रांग है और इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई एक्सचेंज की तरफ से, कोई सेबी की तरफ से रेड फ्लैग नहीं है और लिक्विडिटी एम्पल है, दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस। हमें नहीं जानना कि इसकी ग्रोथ फोरकास्ट के क्या क्या गुड
गोल्स लोगों ने बना रखे हैं या एनालिस्ट ने बना रखे हैं या मैनेजमेंट? सी मैनेजमेंट एक्चुअली सारी एनालिसिस बेस्ड ऑन मैनेजमेंट नंबर्स होती है, और मैनेजमेंट ही वो नंबर प्रोवाइड करती है. तो देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आप उन नंबर्स को बिलीव कर रहे हैं जो मैनेजमेंट आपको दे रही है, और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है कि आपको अच्छे नंबर दे, अच्छी फोरकास्ट दिखाए. अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है तो उनको अपनी अपने पैकेज की भी फिक्र है कि भाई मैं अगर सीईओ कह रहा है कि भाई मैं अगले साल 20% माइनस ग्रोथ करूंगा, उसको फिर सीईओ रखेगा कौन फिर? तो इस तरीके के इश्यूज भी हैं. मैं ये नहीं कहता कि आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ना करिए, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें तो ज़रूर करिए, बट इस तरीके के पिटफॉल्स हैं उसमें जो कि हम जो भी मैनेजमेंट कहती है हम उसको गॉस्पल मान लेते हैं कि हाँ नहीं भाई जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा अगले क्वार्टर में. ऐसा कभी नहीं होता है, रेयरली होता है मेरे मेरे हिसाब से. तो अगर आप उसमें मिसलीड नहीं होना चाहते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो अनबायस्ड हो, और वो एक ही फैक्टर है, विच इज प्राइस. प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे. तो भाव आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है, बाकी सब जो मर्जी बोलते रहे. तो 80 रुपये में हमने ये खरीदा और ये बढ़ते 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 कुछ 600, 650, 700 रुपये कितना चला गया ये. और क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी में एग्जिट तभी होता है जब कोई पर्टिकुलर एग्जिट का रूल ब्रेक होता है, इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं है. वो 100 का 200 हुआ, 200 का 300 हुआ, 300 का 400 हुआ, कोई प्रॉफिट लेने की जल्दी नहीं है, बढ़ते रहे. जब गिरना शुरू होगा थोड़ा सा ऊपर से, हमें टॉप से जहाँ पे एग्जिट करेंगे, जैसे हमारा एग्जिट कुछ 550, 600 के आसपास शायद एग्जिट हुआ है ये, तो ठीक है थोड़ा सा हमने गिव बैक कर दिया गेन, कोई बात नहीं. बट फिर भी 90, 80, 90 रुपये का हमने 550 रुपये कमा लिए 1.5 साल में, बहुत है. ऐसे 2-4 स्टॉक्स आपको हर साल मिल जाएं और बाकी स्टॉक्स में 200-300% नहीं, 20-30-40% भी आ जाए, तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का आपने अगर 5% एलोकेट किया हुआ है, 3% एलोकेट किया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा हो जाएगा. आपको 2-3 ऐसे बड़े विनर्स चाहिए हर कुछ सालों में, और वो आ जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं. हमारा 5-6 साल से हम जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए भी, तो वो हमने देखा है कि वो आ जाते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें इससे क्या होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कब निकलना है, या ये गिर रहा है अगर 700 का, या अभी 450 आ गया, मैं देख रहा हूँ बाजार में बहुत लोगों के चक्के छूटे पड़े हुए हैं, तो वो एंग्जाइटी नहीं है आपको, आपकी नींद नहीं खराब हो रही, आपको एक बिल्कुल क्लियर कट, मेरा एग्जिट आया, मैं निकल गया, बात खत्म, अब मुझे सोचना ही नहीं उसके बारे में. ठीक है फिर से एंट्री कभी किसी कहीं देगा देगा, फिर से ले लेंगे, देर इज नो लव फॉर इट कि लॉरस लैब से ही मुझे सारी अपनी जिंदगी की कमाई करनी है, ऐसी कोई कहानी नहीं है. मैंने जो कमाना था इसमें से कमा लिया, अब मैं बाहर हो गया इससे, अभी फिर से अगर कोई आएगा अपॉर्चुनिटी तो फिर ले लेंगे. ये इसी का चार्ट है. तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिप आया था, बट यहाँ एग्जिट का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ. फिर यहाँ पर और भी देखिए आप, टेक्निकल फॉर्मेशन भी थी, ऑल दो हमारी एग्जिट्स टेक्निकल फॉर्मेशन की बेसिस पर नहीं होती हैं, बट आप ये देखिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्लियरली बना था. तो जो अगर टेक्निकल पैटर्न भी फॉलो कर रहा था तो उसको 560-570 पे निकलना चाहिए था. यहाँ पे हो सकता है ये फिर वापस घूम के फिर ऊपर चला जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, हो सकता है यहाँ आ जाए. तो हमें रूल बेस्ड काम करना है, हमें सोचना ही नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. रूल के हिसाब से चलना है, रूल के हिसाब से बाय करो, रूल के हिसाब से सेल करो, रूल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करो. व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल, ये चार गोल्डन रूल हैं जो हमारे को हर समय क्लियर होने चाहिए, और वो हम अपनी मोमेंटम इन्वेस्टिंग में करते हैं. तो ये एक स्कीमेटिक छोटा सा बस यही है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली ट्रेन चल रही है, दसियों ट्रेन चल रही हैं, जो ट्रेन चल रही है उसमें आप चढ़ जाइए, जो ट्रेन रुकने लगे उसमें से उतर जाइए. ज़्यादा फिक्र मत करिए कि भाई इस ट्रेन का कलर कैसा है, इस ट्रेन का ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये ट्रेन कब चलेगी, ये सब बातें और लोगों के लिए छोड़ दीजिए. आप अपना काम करिए, मोमेंटम में स्टॉक्स को पिक करिए, जब मोमेंटम अगर नहीं है, ख़त्म हो जाता है, तो उतर जाइए. कभी कभी लॉस भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत अच्छी नींद के साथ आपके पैसे कमाए जाएंगे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में करेंगे तो.
शॉर्ट टर्म में तो भगवान भरोसे है, सब कुछ नहीं पता होता शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है ओवर सेवरल ईयर्स कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे बनेंगे। और 2 मिनट आपको लगाने हैं हफ्ते के अंदर, 2 बटन दबाने हैं मंडे को और आपका काम हो जाएगा। इससे बढ़िया इन्वेस्टिंग आप बता दीजिए मुझे और कहाँ पॉसिबल है जो कि बेंचमार्क को भी बीट कर रही हो। एनी हाउ, तो यही मेरा आज की 2 पॉइंट थे सोचने के लिए। प्लीज़ सोचिए इसको और अगले हफ्ते हम फिर एक एपिसोड लाएंगे सोच का। थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।